भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को अस्त्र BVRM की पहली खेप सौंप दी है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां अभी यह मिसाइल एकदम सटीक हमला कर सकती है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इसकी फायरिंग की गई। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल दागी, जो टारगेट पर सटीकता से लगी है। इस मिसाइल का अगला वेरिएंट MK2 भी ट्रायल फेज में है। यह लंबी दूरी की मिसाइल होगी। फिलहाल अस्त्र MK1 सेना में शामिल किया जाएगा। वायुसेना इस मिसाइल की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। 200 मिसाइलों का ऑर्डर हो चुका है। अस्त्र मिसाइल की ताकत की गूंज एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिट फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। वह कितना भी दाएं बाएं हो जाए उससे टकराकर फट जाती है। इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है। इस मिसाइल की लंबाई 12.6 फीट है, व्यास 7 इंच है। यह अपने साथ 15 केजी का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। यह 5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसकी खास बात यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल गायरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। इस मिसाइल की पहले वेरिएंट को MiG-29 UPG, MiG-29 के Sukhoi-30 MKI, तेजस MK-1 और 1st AA में लगा सकते हैं। भविष्य में इस मिसाइल को तेजस MK-2 टेडबियर फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र मिसाइल पर भरोसा जता चुकी है।